नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज है सोमवार और मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यदि आप अपने चंद्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन, पहले तो मैं यही कहूंगी, यदि शक्य है प्रत्येक सोमवार शिवालय में जरूर जाएं, भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करें, जल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, घी का दिया अगरबत्ती लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जो भी व्यक्ति शिव पूजा करता है उसके चंद्र हमेशा मजबूत रहते हैं। चंद्र मजबूत है मतलब व्यक्ति का मनोबल मजबूत रहता है, इंसान की मानसिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहती है और अंदर से प्रफुल्लित रहता है। माता का हमेशा उसके ऊपर प्रेम बरसता रहता है, जहां पर भी जाएगा प्रेम के लिए, प्रेम से कभी वो वंचित नहीं होगा। चंद्र जिसके भी कमजोर है ऐसा व्यक्ति बेचैन रहता है, डिप्रेशन में रहता है, हमेशा अंदर से दुखी रहता है, हर चीज को मन से सोचना चाहता है और मन भी उसका बहुत संकुचित होता है, तो वो हर छोटी बात को बड़ी बना देता है, वो छोटी बात जिसका कोई मतलब नहीं है लेकिन वो इतनी बड़ी बना करके बैठेगा कि खुद के जीवन में भी दुख आ जाएगा और दूसरे के जीवन में भी दुख कर देगा। तो चंद्र को मजबूत बनाने के लिए आज के दिन आप शिव पूजा जरूर करें, शिव जी को कच्चा दूध जरूर अर्पित करें, खुद भी आज के दिन कच्चा दूध जरूर पिए। आज के दिन भगवान शिव को, शिव का जो अभिषेक है वो चावलों से, चावल आप बोले जिस जो बासमती राइस है, अखे चावल जो टूटे फूटे ना हो, 11 या 21 चावल हर सोमवार भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आप अर्पित करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। सफेद रंग के पुष्प 11 पुष्प आप ले, स्पेशल जैसे 12 मासी के पुष्प हैं, बया के पुष्प हैं, ऐसे 11 या 21 पुष्प लेकर के आज के दिन आप रुद्राभिषेक करें, क्योंकि सोमवार है और अष्टमी भी है। सोमवार के दिन यदि अष्टमी हो और आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो समझिए चारों तरफ से आपका भाग्य चमक उठता है। आज के दिन एक मिट्टी के बर्तन में थोड़े से चावल भिगो दें और उसके बाद में कुछ समय के बाद उन चावलों को अच्छे से उस पानी में आप ब्रश कर लें और उससे आप मुंह जरूर धोएं। ऐसा करने से आपका सौंदर्य बढ़ेगा। इसी पानी को यदि आप, जिन लोगों को पीरियड्स की बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा पीरियड्स होते हैं, ऐसे लोग यदि ये पानी पीना शुरू कर दें, 5 दिन यदि आप रेगुलर पीते हैं, आपका आपके जो पीरियड्स की समस्या है वो कंट्रोल में आ जाती है। जब भी पीरियड्स में हो आप ये वाला पानी चावल मतलब पानी में डाल दें, उसे अच्छे से मसल लें और उसके बाद में एक ग्लास पानी आप पीना शुरू करें, तुरंत आपको राहत देखने के लिए मिलेगी। तो आज के दिन यदि आप चाहते हैं आपके चंद्र मजबूत बने तो इन छोटे छोटे उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। जय श्री कृष्ण।